इंडिया से दुबई डेली हजारों लोग घूमने के लिए आते हैं। कुछ लोग ट्रेवलिंग कंपनी से पैकेज लेते हैं और कुछ लोग डायरेक्टली आते हैं। ट्रेवल कंपनी से जो पैकेज लेते हैं लोग, तो मैं बता दूं उसके बारे में, मोस्टली लोग 4 नाइट 5 डेज का पैकेज लेते हैं। सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग में यही रहता है। इसका रीज़न ये है कि थोड़ा बजट में भी आ जाता है और लोगों को इतना छुट्टी भी नहीं मिल पाता है, तो यही पैकेज मोस्टली लोग सेलेक्ट करते हैं। जो ट्रैवल कंपनी होती हैं वो एक फिक्स प्राइस बता देंगे आपको कि 30,000 रुपीज़ में आपको 4 नाइट 5 डेज़ का पैकेज दे रहे हैं। लेकिन इन पैकेज में फ़्लाइट टिकट इंक्लूड नहीं होता है, क्योंकि पता नहीं होता कि 10,000 का मिलेगा फ्लाइट वन साइडेड या 15,000 का मिलेगा, तो वो आप ही को बुक करना होता है। लेकिन बहुत से जो ट्रैवल कंपनी वाले लोग वीडियो बनाते हैं वो बताते भी नहीं है, बोल देते हैं हम आपको इतने में पैकेज दे रहे हैं। उनको क्लियर करना चाहिए कि भाई इसमें फ्लाइट टिकट इंक्लूड नहीं है। तो अब मैं आपको डिटेल में बताता हूँ कि 4 नाइट 5 डेज के पैकेज में क्या क्या इंक्लूड होता है। देखिए, 4 नाइट 5 डेज के पैकेज में वीज़ा होता है इंक्लूड, एयरपोर्ट से पिक एंड ड्रॉप होता है, होटल विद ब्रेकफास्ट होता है। फर्स्ट डे में क्या होता है, फर्स्ट डे में मोस्टली कंपनीज के बता रहा हूँ ढोक्रूज कराते हैं। कुछ दुबई क्रीक में ढोक्रूज कराते हैं, कुछ दुबई मरीना में कराते हैं। लेकिन आप चेक कर लेना, दुबई मरीना में थोड़ा अच्छा ढोक्रूज होता है, क्योंकि वहाँ से व्यू बहुत अच्छा आता है और अच्छे वीडियोज फोटोज ले सकते हैं। ढोक्रूज में ही इंटरनेशनल बुफे डिनर होता है। सेकेंड डे क्या होता है, सेकेंड डे में आपको हाफ दुबई सिटी टूर कराया जाएगा। उसमें क्या है कि दुबई फ्रेम हो गया, जबील पैलेस हो गया, पाम जुमेरा, जुमेरा मॉस्क, जुमेरा बीच, एटलांटिस द पाम, ये सब आपको दिखाया जाता है। उसके बाद आपको दुबई मॉल ड्रॉप किया जाता है। अब यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि कुछ कंपनीज क्या करती हैं, इसमें बुर्ज खलीफा पैकेज रखती हैं, 125-124 लेवल का पैकेज रखती हैं, वो 170 दिरहम का अराउंड टिकट आता है। और कुछ कंपनीज पैकेज सेम रखती हैं बट ये इंक्लूड नहीं करती हैं, बुर्ज खलीफा का टिकट इंक्लूड नहीं करती हैं। दुबई फाउंटेन के बारे में बोलते हैं, दुबई फाउंटेन दिखाते हैं और दुबई मॉल आपको घुमाने के लिए बोलते हैं। फिर आपको इवनिंग में होटल में ड्रॉप कर दिया जाता है। दुबई में एक कंपनी है ट्रेवल पैक 365, मैंने अभी कुछ वीडियो बनाई है उनकी, उसमें आप देखेंगे कि उनके जो पैकेज होते हैं वो पैकेज मेरे को बहुत अच्छे लगे। उनका पैकेज में 4 नाइट 5 डेज का है, 1300 दिरहम का उनका पैकेज है। इस पैकेज में बुर्ज खलीफा का टूर भी इंक्लूड है। उनका जो पैकेज है वो मेरे को ज़्यादा पसंद आया, क्योंकि बुर्ज खलीफा उन्होंने ऐड किया है इसमें। टियर 3 में आपको डेजर्ट सफारी लेके जाया जाता है, और डेजर्ट सफारी भाई वर्थ इट जगह है, बहुत अच्छी जगह है, वहाँ पर बहुत सारी एक्टिविटीज़ है करने के लिए। तो डेजर्ट सफारी में आपको बहुत अच्छे वीडियोज़ फोटोज लेने को मिलेंगे, और डेजर्ट में ही बना हुआ है दुबई, तो डेजर्ट सफारी बहुत ज़्यादा फेमस है दुबई में। जो भी टूरिस्ट घूमने के लिए आते हैं वो डेजर्ट सफारी तो जरूर करते हैं, तो इस पैकेज में डेजर्ट सफारी भी इंक्लूड होता है। लेकिन डेजर्ट सफारी का टूर आफ्टर 2 o'clock होता है स्टार्ट, तो आपको 2 से 3 के बीच में होटल से पिक किया जाएगा, और नाइट में 10 o'clock के अराउंड आपको ड्रॉप किया जाएगा। तो डे 3 की मॉर्निंग में आप बरदुबई और देरा का मार्केट विजिट कर सकते हैं। देखिए, ट्रैवल कंपनीज के जो होटल होते हैं वो मोस्टली देरा में होते हैं या बरदुबई में होते हैं, तो आपके नियर बाई होगी मार्केट, आप विजिट कर सकते हैं। अगर थोड़ा सा डिस्टेंस होगा तो आप दुबई मेट्रो से भी जा सकते हैं। बरदुबई और देरा दोनों ही अपने इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, लोग यहाँ से आईफोन बहुत ज़्यादा लेकर जाते हैं, और गोल्ड सुक देरा दुबई में जो गोल्ड सुक है बहुत बड़ा गोल्ड सुक है, तो आप गोल्ड सुक भी विजिट कर सकते हैं। डे 4 में मोस्टली कंपनी अबू धाबी टूर रखती हैं। अबू धाबी टूर आपको करना भी चाहिए, क्योंकि यूएई का कैपिटल है और वो भी बहुत नीट एंड क्लीन सिटी है, अबू धाबी भी आपको देखना चाहिए। अबू धाबी में फेमस क्या क्या है, अभी नया हिंदू टेंपल बनाया, बीएपी हिंदू टेंपल बनाया, बहुत ब्यूटीफुल है। यस आइलैंड, अबू धाबी का यस आइलैंड बहुत ज़्यादा फेमस है। इसमें मेजरली 4 थीम पार्क हैं, लेकिन फरारी वाटर वर्ल्ड बहुत ज़्यादा फेमस है। फरारी वाटर वर्ल्ड का जो टिकट प्राइस रहता है वो अराउंड 345 दिरहम रहता है, बट आप जिस भी कंपनी से आएंगे अगर आपको करना है तो थोड़ा सा आपके लिए प्राइस कम रहेगा। तो मैं अबू धाबी टूर आपको ट्रेवल पैक 365 का ही बताता हूँ। ये लोग अराउंड 9 o'clock आपको पिक करते हैं, 10 to 10:30 आप अबू धाबी बीएपीएस हिंदू मंदिर पहुंच जाते हैं, उसके बाद में यस आइलैंड ले जाते हैं। यस आइलैंड में 4.5 hours लगता है अराउंड, आप यस मॉल में अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं। अदरवाइज मेजरली 4 थीम पार्क हैं यस आइलैंड में, वहाँ पे आप फरारी वर्ल्ड कर सकते हैं। फरारी वर्ल्ड सबसे ज़्यादा फेमस है। फरारी वर्ल्ड का जो टिकट प्राइस रहेगा वो अराउंड 345 दिरहम है ऑफिशियल प्राइस। अगर आप इनसे बुक करेंगे तो आपके लिए थोड़ा डिस्काउंट रहेगा। उसके बाद डेट्स मार्केट ले जाते हैं। डेट्स मार्केट में बहुत टाइप की वैरायटी के डेट्स देखने को मिलते हैं, वहाँ से आप शॉपिंग भी कर सकते हैं। 20 मिनट का अराउंड वहाँ पर स्टॉप रहता है। उसके बाद में ड्राइव थ्रू एमिरेट्स पैलेस दिखाते हैं। अबू धाबी मरीना मॉल का जो बैक साइड का एरिया है वो दिखाते हैं, बहुत ब्यूटीफुल एरिया है, वहाँ पर भी थोड़ी देर के लिए स्टॉप रहता है। एमिरेट्स पैलेस दिखाते हैं, एमिरेट्स पैलेस के पास में भी 10 मिनट का अराउंड स्टॉप रहता है, वहाँ पर आप फोटो ले सकते हैं। उसके बाद में यूएई का सबसे बड़ा मॉस्क शेख जायद ग्रैंड मॉस्क दिखाते हैं। शेख जायद ग्रैंड मॉस्क वाइट कलर का बहुत ही ब्यूटीफुल मॉस्क है, और इसमें सभी रिलीजन के लोग जा सकते हैं। उसके बाद में आपको 10:30 to 11 PM पे होटल में ड्रॉप कर दिया जाएगा। तो ये डे 4 हो गया। डे 5 में आपको एयरपोर्ट ड्रॉप किया जाएगा। डिपेंड करता है कि आपकी फ़्लाइट कितने बजे, अगर आपकी फ़्लाइट आफ्टरनून के बाद में है
तो आप लोकल मार्केट विजिट कर सकते हैं, अगर आपको कुछ शॉपिंग करनी है शॉपिंग कर सकते हैं, एक बार और दुबई मॉल घूमने जाना है तो बाई मेट्रो दुबई मॉल घूमने जा सकते हैं। अगर आपको कुछ अदर एक्टिविटीज़ भी करनी है दुबई में तो आप कर सकते हैं। डे थ्री में आपके पास हाफ डे रहेगा ऑलमोस्ट, क्योंकि आफ्टरनून के बाद आपको डेड सफाई ले जाया जाएगा। डे फाइव में डिपेंड करता है आपकी फ्लाइट कितने बजे होगी, तो आप स्काई व्यू ऑब्जर्वेटरी कर सकते हैं, एक बार और दुबई मॉल घूमने जा सकते हैं अगर आपको शॉपिंग कुछ करना है तो। कुछ कंपनीज फोर नाइट फाइव डेज में अबू धाबी टूर ना करा के ग्लोबल विलेज मिरेकल गार्डन का टूर कराती हैं, बट ग्लोबल विलेज मिरेकल गार्डन सीजनल होता है तो मई में ये क्लोज हो जाता है मोस्टली, तो ये मई में अभी क्लोज हो जाएगा। पैकेज बुक करने से पहले आपको पूरी इन्फॉर्मेशन ले लेनी है, होटल कैसा होगा, कौन सा होटल होगा, थ्री स्टार फोर स्टार, ये सब आपको पता कर लेना है, होटल के रिव्यू चेक कर लेना है, और ढोकरूज कहाँ का करा रहे हैं। मरीना का ढोकरूज सबसे बेस्ट होता है, तो ध्यान रखना कि मरीना के ढोकरूज में ही जाना है। तो अगर आप अपना पैकेज ट्रैवल पैक 365 कंपनी से बुक करना चाहते हैं तो आपको थोड़ा सा डिस्काउंट मिल जाएगा, आप अगर मेरा रेफरेंस देंगे, व्हाट्सअप नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। हाँ, 1300 दिरहम का इनका जो पैकेज है इसमें थ्री स्टार होटल है, फोर स्टार अगर आप होटल लेंगे तो 20 दिरहम इंक्रीज हो जाएगा, यानी फोर नाइट का 80 दिरहम इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो ये 380 का अराउंड पड़ जाएगा, फोर स्टार होटल का 1380 पड़ जाएगा और थ्री स्टार होटल का 1300 पड़ जाएगा। और अगर आप मेरी वीडियो का रेफरेंस देंगे तो थोड़ा सा डिस्काउंट इसमें से आपको मिल जाएगा। फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, कोई भी डाउट होता है तो कमेंट कर लीजिए, इंस्टाग्राम पर डीएम कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, ख्याल रखिए अपना, जय हिंद।